राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस में हाल ही में बड़े स्तर पर फेरबदल किए गए। राजस्थान कांग्रेस में मंत्रिमंडल के अंदर जिन नए चेहरों को जगह दी गई है, इससे सचिन पायलट बेहद खुश नजर आ रहे। लेकिन एक और बड़ा तोहफा सचिन पायलट को दिया जा रहा है। दरअसल 15 संसदीय जो कमेटी है उसको बनाने की बात कही जा रही है, और 15 संसदीय कमेटी जो बनाई जाएगी, इसमें बहुत बड़े हद तक सचिन पायलट के करीबी समर्थकों को बड़ी जगह मिलती नजर आ रही है। यानी कि राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को खुश करने का पूरा मन सोनिया गांधी बना चुकी है। सचिन पायलट के पास इस वक्त राजनीतिक पकड़ है। सचिन पायलट के पास विधायकों की बड़ी संख्या है। सचिन पायलट ने यह दिखा दिया है कि उनकी राजनीतिक पकड़ राजस्थान में कितनी मजबूत है। इसीलिए अशोक गहलोत ने अब पीछे कदम हटाना ही मुनासिब समझा है। अशोक गहलोत ये समझ चुके हैं कि अगर सचिन पायलट से दो हाथ या उनसे बराबरी करने की कोशिश की तो नुकसान अशोक गहलोत को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अशोक गहलोत ने समझदारी दिखाते हुए खुद पीछे हटने का मन बना लिया। और ऐसे में खबरें भी यहाँ तक सामने आ रही हैं कि राजस्थान की जनता ने जिस तरह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का मन बनाया है, इसे देखते हुए वाकई अब सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना तय है। क्योंकि बीते कुछ समय पहले देखने को मिला था कांग्रेस पार्टी आलाकमान की तरफ से इस बात का आदेश गया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है, और सचिन पायलट हैं वो मुख्यमंत्री के नए चेहरे जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और उत्तर राजस्थान की जनता फिलहाल सचिन पायलट के समर्थन में भी दिखती नजर आ रही है, जिससे सचिन पायलट के लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। आज के लिए इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।